साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई कतर से रिलेटेड, दोहा कतर से रिलेटेड बात करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो कुछ अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूंगा। वीज़ा से रिलेटेड, कोरोना अपडेट से रिलेटेड, क्या कतर में अभी होने वाला है इससे रिलेटेड। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, अगर आप साथियों चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी अपडेट विदेश से रिलेटेड सही जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं साथियों कतर से रिलेटेड। देखिए कतर में कोरोना का महामारी का कितना प्रभाव चल रहा है, तो भाई देखिए प्रभाव तो हर कंट्री में है, नो डाउट। अभी स्थिति कोरोना की भी बढ़ रही है कतर में, तो मैं बता दूं आंकड़ों के हिसाब से 6,500 प्लस पॉजिटिव अभी तक हो चुके हैं कतर में, जिसमें नो डेथ अभी तक हुई है, यानी डेथ के रेशियो बहुत कम है कतर में, बहुत अच्छी बात है। उसमें से 600 प्लस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। ये तो है कोरोना से रिलेटेड अपडेट। तो भाई कतर गवर्नमेंट भी सख्त है, वो भी सोचती है कि भाई कम से कम बढ़ें, टेस्टिंग होना, लॉकडाउन का करवाना या सख्ती करना, ये तो आम बात सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बात करेंगे साथियों, देखिए वीज़ा से रिलेटेड और टिकट से रिलेटेड हम बात करेंगे। भाई गवर्नमेंट ने अपने आधिकारिक जो ट्विटर है उस पर बाकायदा घोषणा कर दी है कि भाई बता दें कि यहाँ पे जो कतर में विजिट वीज़ा पे आए थे या ऑन अराइवल वीज़ा पे आए थे या विजिटर थे, जो किसी कारणवश लॉकडाउन होने की वजह से कतर में फंस गए, जो काफ़ी टाइम से जैसे महीने भर से फंसे हुए हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो अपने फैमिली से मिलने के लिए आए थे या फिर घूमने के पर्पज़ से आए थे, बिजनेस के पर्पज़ से आए थे, पर्पज़ चाहे कोई भी हो, उनके पास विजिट वीज़ा था, चाहे वो ऑन अराइवल हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे विजिट वीज़ा कोई भी वीज़ा हो, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो भाई उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकायदा कतरी गवर्नमेंट ने कल की डेट में घोषणा की है। उसमें आपको करना कुछ नहीं होगा, जब भी लॉकडाउन ओपन होगा आप उसी वीज़ा में आप अपनी कंट्री जा सकते हो, चाहे आप दुबई से हो, चाहे आप कतर से हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप पाकिस्तान, नेपाल, कोई भी कंट्री से, ऑल ओवर कंट्री से हो, आप उसी वीज़ा में वापस अपनी कंट्री जा सकते हैं, जिसमें आपका कोई टैक्स आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, कोई आपका वो एग्जिट नहीं लगेगा, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं होगे, कोई आपका जुर्माना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नहीं आप कोई ब्लैक लिस्ट होगे। तो ये गवर्नमेंट ने बाकायदा अच्छी न्यूज़ दी है, जो वहाँ पे फंस गए थे कतर से रिलेटेड, जो वीज़ा था लेकिन वो एक्सपायर हो गया था, उनके लिए न्यूज़ है भाई। ये तो हो गई विजिट वीज़ा के लिए या विजिटर के लिए, ऑन अराइवल वीज़ा के लिए। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे, सर वर्क परमिट वीज़ा के बारे में बताइए। तो भाई देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, आप कमेंट करें उससे पहले मैं बता दूँ कि वर्क परमिट वीज़ा की अभी कतर की गवर्नमेंट ने कोई घोषणा, अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अभी तक तो जो पहले वाला प्रोसेस है वो ही रहेगा, ऑनलाइन अपना रिन्यू करवाएं, आपका जो भी वर्क परमिट है, या फिर आप लॉकडाउन ओपन होने के बाद आप रिन्यू करवाएं, वो जो आपका चार्जेबल वगैरह है वही प्रोसेस रहेगा। बाकी उसमें भी ये नहीं है कि आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, क्योंकि भाई मजबूरी तो सबकी होती है। ये वीज़ा से रिलेटेड अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप तीसरे आप कमेंट कर सकते हो, सर टिकट का क्या रहेगा? तो भाई देखिए 3 मई से पहले इंडियन गवर्नमेंट का टिकट का कोई है नहीं, बाकी कोई भी कंट्री का अप्रैल में तो कुछ नहीं होने वाला, ये माइंड से आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं निकल के। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं 80% टिकट से रिलेटेड वीडियो हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टिकट से रिलेटेड कोई घोषणा नहीं की है, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि 3 मई तक हमने, जब तक टिकट की घोषणा नहीं कर दें, प्लेन्स की घोषणा नहीं कर दें, तब तक कोई कंपनी टिकट बुक न करवाएं। तो टिकट के बारे में एक बार आपको माइंड सेट करके बैठना पड़ेगा, जहाँ बैठे हैं वहीं पर, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कतर में हो, चाहे आप कोई भी कंट्री में हो, टिकट का अभी तक कोई ऑप्शन है नहीं, आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो कोई वीडियो देख कर आपको ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप मैंने आपको कतर से रिलेटेड जानकारी दे दी। और नेक्स्ट भी बता दूं कि कल से यानी 22 अप्रैल से कतर गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों में लॉकडाउन खोलने की अनुमति दी है कल से। तो वहाँ पे हो सकता है बहुत नेगेटिव हैं, मतलब है नहीं, या फिर वहाँ पे जीरो हो गया या डाउन कंट्रोल में है, तो वहाँ पे लॉकडाउन ओपन होगा कुछ हिस्सों में कतर के। ठीक है साथियों, बस यही अपडेट थी कतर से रिलेटेड। आपके पास कोई न्यूज़ हो तो व्हाट्सअप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से बताएं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी विदेश से रिलेटेड यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।